किसी के साथ वफादार नहीं रहे, जहाँ भी रहे जिस उसके साथ उन्होंने चीटिंग की है। जब आदमी वफादार नहीं रहे, और मैं खुले मन के साथ कह सकता हूँ कि मैं जिसके साथ रहूँ ईमानदारी से रहूँ, पीछे छुरा घोंपने वाली, मुंह में राम बगल में छुरी वाला हमसे नहीं होता। हम दोगले या इस टाइप के बनने की बजाय हम बागी बनना पसंद करते हैं। 25 अक्टूबर 2023 की वो तारीख जब भाजपा के युवा नेता कांग्रेस के युवा नेता बन गए, और अब कयास ये हैं कि विकास चौधरी किशनगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। आज प्रियंका गांधी ने ज्वाइन आपको कांग्रेस में करा दिया है, पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस में शामिल होने के बाद क्या है? पूरे किशनगढ़ के अंदर विचारधारा आपकी जो थी बीजेपी के साथ थी, अब कांग्रेस के साथ कैसे जाएगी? और 2023 में यहाँ कांग्रेस की सरकार आए, और 2024 में देश में कांग्रेस की सरकार बने। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विचारधारा मेल मिलाप नहीं होगी, क्योंकि उस दौरान आपको लगता है कि रही होगी कि एक युवा नेता का टिकट काट दिया गया? मजबूरी वही जाने, जरूरत से ज़्यादा सत्ता के लोग होने से। और मैं आपसे खुद से पूछना चाहता हूँ, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, पिछले 10 साल ये यहाँ विधायक रहे, और पिछले 4.5 साल ये यहाँ मेंबर पार्लियामेंट रहे, एक भी क्वेश्चन अजमेर के विकास को लेके उन्होंने उठाया हो? यहाँ किशनगढ़ की बात करें, यहाँ एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट पे एक भी फ्लाइट नहीं चल रही है। ऐसे में क्योंकि लोकसभा के अंदर रिकॉर्ड मतों से किशनगढ़ से ही जीते थे, लगभग 70,000 वोट उनको यहाँ से प्राप्त हुए थे, ऐसे में कैसे उनके साथ आपका सामना होगा, कैसे फाइट होगी? वह यहाँ आपराधिक घटनाएं राजस्थान में सबसे ज़्यादा किशनगढ़ में हुई है, और यहाँ कई प्रकार की गैंग आ गई किशनगढ़ में, तो संरक्षण विधायक का भी रहा है, तो ये सब लोग एक थाली के चिट्टे बिट्टे हैं। इनको पता है कि एक बार तू आ जाओ, एक बार मैं आ जाऊँ, ये खेल अब चलने वाला नहीं है। इस बार किशनगढ़ का भविष्य नौजवानों के हाथों में रहे।